हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिम्बागन। दोस्तों, आज से पहले मैंने जितनी वीडियो Naukri.com के ऊपर बनाई थी उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और ये बताया था कि किस तरीके से उन्हें जॉब के नाम पे उनके साथ फ्रॉड हुआ था और उन्होंने जॉब के लिए जो पैसे पे किए थे उसके बाद उन्हें किसी तरीके का कोई जॉब नहीं दिया गया। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं जिसपे कि मैं ये बताऊं कि किस तरीके से आपको कॉल्स को जज करना है कि वो फ्रॉड है या जेन्युइन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि आपको अगर Naukri.com के तरफ से जो कॉल्स आ रहे हैं वो फ्रॉड है या जेन्युइन, किस तरीके से आपको जज करना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है जिसके थ्रू आप किसी भी ट्रैप में फंसने से बच सको। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यू Naukri.com के थ्रू फेस किए हैं, Naukri.com के थ्रू दिए हैं, उनमें से ज्यादातर इंटरव्यू मेरे लिए तो जेन्युइन थे। मुझे फ्रॉड कॉल्स बहुत कम आए हैं। दोस्तों, होता यह है कि जब कोई स्टूडेंट पास आउट होता है, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है, या फिर किसी के पास अगर एक्सपीरियंस कम है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को ऐसी कंसल्टेंसियां ज्यादा अपने ट्रैप में फंसाती है। अगर आपने Naukri.com पे नया नया प्रोफाइल बनाया है तो आप देखोगे कि आपको अचानक से कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे टाइम पे ही बहुत सारी कंसल्टेंसियां जो कि फ्रॉड होती हैं वो इस टाइम पे स्टूडेंट को फंसाती है। जनरली वो किसी बड़ी कंपनी का नाम लेके आपको फंसा सकती है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू लेटर के जगह आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर भेज के उसमें आपको पैसे की डिमांड करके फंसा सकती है। और दोस्तों, कई बार तो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी आपका सिलेक्शन हो करके टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू ही आपसे पैसे की डिमांड करके आपको पैसे के लिए फंसा सकती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है फ्रॉड कॉल को लेके, जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, जब मैंने Naukri.com पे नया प्रोफाइल बनाया था, तो उस टाइम पे मुझे एक कॉल आया था जो कि किसी कंसल्टेंसी के थ्रू था और उन्होंने किसी बड़ी कंपनी के नाम पे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। जब मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद उन्होंने मुझे एक फॉर्म भरने को दिया। फॉर्म के एंड में एक लाइन लिखी हुई थी जिसमें उन्होंने पैसे की डिमांड की हुई थी और उसके साथ उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये जो पैसे वो कलेक्ट कर रही है वो हमारे ड्रेस के लिए, सेफ्टी शूज और जो जो पीपीई कंपनी में जरूरत है उस चीज के लिए वो इस पैसे को ले रही है और इस पैसे को आने वाले मंथ की सैलरी में वो हमें रिटर्न कर देगी। तो ऐसा उस फॉर्म में लिखा हुआ था। तो जब मैंने पैसे देने के लिए मना किया तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया। वो फिर 5,000 का 2,000, 2,000 का 1,500, 1,500 के बाद 500, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होने लगी। तो मुझे पता चल गया कि ये एक फ्रॉड कॉल है और मैं वहां से चला आया। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो सबसे पहले तो आप उनसे ये कंफर्म करो कि आप कंसल्टेंसी के थ्रू उनको आपको कॉल आया है या आप किसी कंपनी के एचआर के थ्रू आपको कॉल आया है। दोस्तों, हर एक कंपनी का इंटरव्यू लेने का प्रोसेस अलग अलग होता है। बहुत सारी कंपनियां आपको डायरेक्ट आपके Naukri.com की प्रोफाइल से पिक करके आपको कॉल करती हैं। बहुत सारी कंपनियां कंसल्टेंसी को ऑफर करती है कि वो कैंडिडेट को इकट्ठा करे और इंटरव्यू कंडक्ट करवाए। बहुत सारी कंपनियों का जो ऑफिशियल जॉब पोर्टल, उनका ऑफिशियल जो वेबसाइट पे जॉब पोर्टल मेंशन होता है उसके थ्रू ही आपको सिलेक्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। तो ऐसे में अगर आपको कभी भी Naukri.com की तरफ से कॉल आए तो आपको कभी भी उस चीज को स्किप नहीं करना है, उस चीज को इग्नोर नहीं करना है। आपको हर एक कॉल्स, हर एक मेल का रिप्लाई जरूर देना है। पर दोस्तों, रिप्लाई देने के बाद आपको एक चीज जरूर कंफर्म करना है कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है। आपको उनकी बातों से ही पता चल जाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो तो किसी भी स्टेज पे अगर आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है तो आप साफ देने से मना कर दो। अगर उसके बावजूद भी वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो आप ये समझ जाओ कि आपको एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है। ये किसी तरीके का इंटरव्यू कॉल नहीं, ये पैसे ऐंठने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। दोस्तों, आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी पॉलिसी में ऐसा लिखा हुआ है कि कैंडिडेट से पैसे लिए जाए किसी भी ड्रेस की वजह से, किसी भी पीपीस की वजह, ऐसा किसी भी कंपनी के थ्रू ऐसा नहीं होता। बट फिर भी
बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये सारी चीजों की जानकारी नहीं होती वो स्ट्रैप में फंस के पैसे को पे कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और सबसे जरूरी टाइम तब होता है जब आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हो। अगर आप एक फ्रेशर हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके साथ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होंगी। अगर आपने हाल ही में अपना naukri.com का प्रोफाइल बनाया है या नया प्रोफाइल बनाया है तो भी आपके साथ ऐसी चीजें ज्यादा होंगी। तो इस टाइम पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप भी naukri.com का अच्छे से यूज कर पाओगे। naukri.com एक फ्रॉड वेबसाइट नहीं है। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि आज के टाइम पे मार्केट में जितनी भी जॉब पोर्टल वेबसाइटें हैं, जितनी भी जॉब पोर्टल एप्स हैं, उनमें सबसे बेटर naukri.com ही है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी रेप्यूटेटेड कंपनियां आज भी naukri.com के थ्रू ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। तो आप भी naukri.com पे अपना प्रोफाइल जरूर बनाइए। और अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जानना है कि किस तरीके से naukri.com पे क्या ऐसी चीजें अप्लाई करें अपने प्रोफाइल में कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स आए, तो आप मेरा naukri.com वाला वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा है, आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें थी जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है naukri.com से रिलेटेड, तो आप जरूर शेयर करें जो कि किसी और के काम आ सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली ऐसी यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।